नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 12 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश पत्र परीक्षा स्नातक का आयोजन किया जा रहा है। एनटीए सीबीएसई की सहायता से इस परीक्षा को देश और विदेश में 202 शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा में करीब 13,66,000 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, लेकिन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर करीब 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। नीट 2021 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र जाने से पहले एनटीए की वेबसाइट पर जारी दिशा निर्देशों और ड्रेस कोड को ध्यान से पढ़ लें। तो वहीं छात्रों को केंद्र में प्रवेश के लिए N95 मास्क दिया जाएगा। उससे पहले उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों में केवल पानी की एक बोतल, जरूरी फोटो और एक फोटो युक्त पहचान पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, 50 मिलीमीटर की हैंड सैनिटाइज बॉटल, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, बिना हस्ताक्षर का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अलावा कोई भी अन्य वस्तु मान्य नहीं होगी। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, एक बड़ी एग्जाम देश और विदेश में आयोजित होने जा रही है नीट के लिए। 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी परीक्षा के लिए, बताएं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान ही पिछले साल भी नीट की जो एग्जाम करवाई गई है उसमें भी वो कोरोना प्रोटोकॉल और पूरी पाबंदियां और पूरी सख्ती के साथ में परीक्षा आयोजित की गई। बिल्कुल, आज भी तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थी है जिन्होंने नीट एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। दरअसल जो एनटीए की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 12 सितंबर को जो राष्ट्रीय पात्रता जो प्रवेश परीक्षा है स्नातक में वो आयोजित करवाई जाएगी। जो एनटीए सीबीएसई की मदद से इस परीक्षा के लिए देश और विदेश के कुल 202 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ साथ इस परीक्षा का जो समय है वो भी पूरी तरह से निर्धारित किया जा चुका है। 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन जो परीक्षार्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले ही जो परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते वहां पर पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी और चेकिंग के बाद ही उनको अंदर प्रवेश किया जाएगा। देखिए, इस दौरान परीक्षा के दौरान जो विद्यार्थियों को अंदर ले जाने के लिए जो अनुमति है वो जो मास्क के साथ अंदर जाएंगे, लेकिन वहां पर भी जो परीक्षा केंद्र पर भी विद्यार्थियों को मास्क वितरित किए जाएंगे। साथ साथ जो 50 ml की जो पारदर्शी जो हैंड सैनिटाइजर की जो बोतल है वो ले जाने की जो अनिवार्यता है, साथ साथ पानी की बोतल वो भी पारदर्शी होनी चाहिए और उसको ले जाने की अनुमति मिली है। साथ ही जो एडमिट कार्ड की फोटो और फोटो पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो उनको अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही जो अंदर एग्जाम के दौरान ही विद्यार्थियों को जो पेन और जो अन्य जो सामग्री है वो भी परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का भी इस दौरान पूरी तरह से पालन है वो किया जाएगा। दरअसल देखिए, पहले भी पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के दौरान ही परीक्षा आयोजित करवाई थी और उसमें भी जो तय समय पर नहीं हो पाई, लेकिन समय के बाद में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करवाया गया था और इस बार भी कोरोना संक्रमण के बीच ही परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। लोकेश, उसके अलावा छात्रों के लिए आपने बताया कि आप प्रिकॉशंस यहाँ रखने होंगे, लेकिन जब बात यहाँ करते हैं कि दूसरी बार कोरोना के चलते एग्जाम यहाँ कोरोना के समय में आयोजित किया जा रहा है, विदेशों में भी यहाँ पर व्यवस्था है और कई छात्र ऐसे हैं जो कि पढ़ाई बीच में छोड़कर जैसे कोचिंग ले रहे थे और फिर चले गए, उनकी क्या अभी तैयारी है, समझ में क्या बातचीत हो पाई है छात्रों से भी, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा है। ये एक जानकारी के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस बार जो एनटीए की जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है इसमें विद्यार्थियों को एग्जाम फॉर्म भरने के बाद या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद भी उनको 2400 सेंटर मांगा था जिसमें विद्यार्थियों को जहाँ पर जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर एग्जाम की सुविधा है वो करवाई गई है। और उसी के अनुसार, क्योंकि दरअसल जो कई स्टूडेंट होते हैं जो बाहर जाकर दूसरे शहरों में जाकर तैयारी करते हैं जो उसी के अनुसार वो अपना सेंटर मांगते हैं, लेकिन इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल, क्योंकि पहले भी पिछले साल भी देखा गया था कोरोना संक्रमण के बाद के चलते एग्जाम सेंटर है उनमें बदलाव किया गया था और विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार ही उनको एग्जाम सेंटर दिए गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है ताकि अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े और अपने ही शहरों में और अपने निर्धारित स्थान पर वो परीक्षा दे सके। जी, चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।